मैसेज कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। आगे देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आपका पेपर वन। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर है आपका वहां पे टाइप्स ऑफ लेजर कर लिया था, राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ लेजर से आगे जो अपना फर्स्ट टाइप है सॉलिड स्टेट लेजर का एग्जाम्पल, जो मेन हमारा एग्जाम में भी पूछा जाता है, हम उसको आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा रहेगा सॉलिड स्टेट लेजर का टाइप, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, रूबी लेजर। ठीक है, तो उसको आज हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है, एक बारी पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने उसमें बताया था, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपका जो टाइप्स ऑफ लेजर था उसमें आपका बताया था कि सॉलिड स्टेट लेजर, गैस लेजर, लिक्विड लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। वैसे तो मैंने आपके पहले तीन बताए थे कि मेन जो इम्पोर्टेंट आपके सॉलिड स्टेट लेजर, लिक्विड गैस लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर है। लिक्विड लेजर भी आप एक्स्ट्रा में बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्या है, हीलियम नियॉन लेजर, और आपने गैस लेजर के अंदर देखा था कि जो हमारा एक्टिव मीडियम है उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस इसमें आते हैं। इसका मतलब गैसेस का मिक्सचर तो आपका गैस लेजर के अंदर ही आएगा। इसका मतलब हीलियम नियॉन जो है वो एक गैस उसमें है, तो यानी कि वो आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, गैस लेजर का हो गया, राइट। अब जो रूबी लेजर है बेटा, उसमें हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं और क्रोमियम जो ट्रांजिशन मेटल आयंस है उसकी डॉपिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो एक क्रिस्टलाइन आप मटेरियल लेके चल रहे हो और किसी चीज की ट्रांजिशन मेटल आयंस या फिर रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स है उसकी डॉपिंग करते हो, तो ये आपका किसके अंदर होता है, सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर। इसका मतलब जो आपका रूबी लेजर है बेटा वो किसके अंदर आता है, आपका सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर आता है। ठीक है, रूबी लेजर किस में आता है, आपका सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, यही चीज करनी है कि पहले मैंने आपको ये चीज दोबारा बता देती हूँ कि सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर बेटा ध्यान दो कि जो सॉलिड स्टेट लेजर है या लेजर है उसमें अपने को कंपोनेंट ही ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कंपोनेंट अपने क्या क्या थे लेजर के, कि एक तो एक्टिव मीडियम जिसके अंदर मेन एक्टिंग जो आपकी एक्टिव स्पीसीज रहेंगी जिसकी वजह से लेजिंग एक्शन हो रहा है, वो आप क्या लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड, आपने पंपिंग किस सोर्स के थ्रू आप करवाना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है इसके अंदर, कि जो आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर, अब ऑप्टिकल रेजोनेटर में तो हमें सिल्वर पॉलिश्ड एक पोर्शन करना है और हाफ सिल्वर पॉलिश दूसरा पोर्शन करना था। ठीक है, ताकि आप क्या करवा सके, वहां पे एम्पलीफिकेशन करवा सके, तो वो तो अपना उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अब हमने इसमें देखा था कि जो सॉलिड स्टेट लेजर है इसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल आपका यूज होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है, और एक इम्प्योरिटी आयन आपने इसमें यूज करी थी, इम्प्योरिटी आयन। वो इम्प्योरिटी आयन आपका कैसा भी उसमें हो सकता है, या तो ट्रांजिशन मेटल आयन का लेके चल रहे हो या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट आप लेके चल रहे हो, जैसे सीरियम, इरबियम और टर्बियम, इस तरीके के आप कोई भी उसमें लेके चल रहे हो। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो वहां पे। अब और अब हमने पंपिंग के लिए भी देख लिया था कि लाइट एनर्जी यानी कि ऑप्टिकल जो आपका पंपिंग स्कीम है उसको यूज कर रहे हो, चाहे आप फ्लैश ट्यूब या फ्लैश लैम्प को यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो यानी हम इनमें से जो है वो कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा उसके लिए ठीक रहेगा, हम जो हम लेके चल रहे हैं रूबी के लिए। ठीक है, तो जो हमें ठीक लगेगा हम उसी को ही इसको इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने रूबी लेजर की तरफ। ठीक है, जो रूबी लेजर है बेटा वो थियोडोर मेइमेन ने के द्वारा सबसे पहले आपका इन्वेंट किया गया था, और ये किया था आपके 1960 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो रूबी लेजर है वो मेइमेन ने डिस्कवर किया था, बनाया था, बिल्ड किया था 1960 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने क्या किया था बेटा, इसके अंदर उन्होंने एक रूबी रॉड ली थी। ठीक है, एक रूबी रॉड ली है जिसके ऊपर हमने क्या एक फ्लैश ट्यूब या फ्लैश लैंप यूज किया है। यहाँ पे फ्लैश ट्यूब लिखा हुआ है, हम फ्लैश लैंप भी यूज कर सकते हैं। हम फ्लैश लैंप को यूज कर रहे हैं क्योंकि लाइट का एक
पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए जिससे आप क्या करवा सको, पंपिंग, यानी कि ऑप्टिकल आप पंपिंग स्कीम को यूज कर रहे हो, तो हम उसके अंदर फ्लैश ट्यूब यूज कर फ्लैश लैंप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने फ्लैश लैंप यूज किया है ताकि मैं अपने जो मेरे ग्राउंड स्टेट के ऊपर थे उससे मैं उनको एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर सकूं और पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकूं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो दो साइड्स होंगी आपकी रूबी रॉड की, उसमें एक साइड पे क्या करूंगी, सिल्वर पॉलिश कंप्लीटली, और यानी कि 100% सिल्वर पॉलिश, और दूसरा साइड जो करूंगी वो आपका पार्शियली सिल्वर पॉलिश, यानी कि 10% उसमें से आपके जो भी रहेंगे वो आपके एमिट हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं वहां से, और बाकी जो बचेंगे वो दोबारा से आपके उसी में ही रिफ्लेक्ट होते फिरेंगे। अब ये कहते हैं अगर रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं तो बार बार उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, और जो एम्पलीफाइड लेजर लाइट थी वो हमारी एम्पलीफाई होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन, तो हम यहाँ पे एम्पलीफाई भी करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी उसमें हो रही है, आपकी बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन को क्या करेगा, कॉज करेगा, अगर हम उसको अंदर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं सारे उसको ट्रांजिस्ट करवा लेंगे और फिर वहां से ग्राउंड स्टेट के ऊपर करवाएंगे जिससे हमें वहां पे क्या मिलेगी, लेजिंग लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या था, इसका प्रिंसिपल था। अब आपको क्या देखनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है कि किस तरीके से ये काम करता है। इस तरीके से आप इसके एक बार ये सारी चीजें देख लीजिए, फिर उसके बाद में इसको समझाती हूँ क्या क्या है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, एक चीज दिख रही होगी कि एक आपने क्या लिया है, रूबी सिलेंडर, ठीक है। एक साइड लिख रखा है कि कंप्लीटली सिल्वर मिरर, ठीक है। एक साइड लिख रखा है पार्शली सिल्वर मिरर, ठीक है। यहाँ लिख रखा है क्यू स्विच कंट्रोलर है ये, ठीक है। यहाँ लिख रखा है कि ये फ्लैश लैंप यूज कर रखा है, ठीक है। यहाँ लिख रखा है पावर है, ओके। फिर लिख रखा है कि ये सारा का सारा जो कनेक्ट है भी है वो हमारा कूलिंग उसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट आपकी फाइनली प्रोड्यूस होके आएगी इसके अपर्चर से, वो आपकी कैसी निकलेगी, बीम, लेजिंग बीम निकलेगी। इसका मतलब ये चीजें इसके अंदर हो रही होंगी। अब आपके मन में, क्योंकि आपको सारी चीजें पता चल गई है, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ लिया ना, सॉलिड स्टेट लेजर, तो उसके अंदर आपको मेन कंपोनेंट आपके पता है कि लेजर के मेन कंपोनेंट क्या है, और साथ में आपको ये भी पता है, कंपोनेंट तो पता ही पता है, उनके आपको बिहेवियर भी पता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, जो रूबी रॉड है मेरा, हाँ एक चीज तो मैं आपको भूल ही गई इसके अंदर बताना कि जो रूबी रॉड है बेटा उसके अंदर क्या होता है, आपका जो रूबी क्रिस्ट, आप ये जो रूबी लेजर लेके चल रहे हो इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 आपका जो है उसके अंदर हम इम्प्योरिटी आयन्स जो डॉप करते हैं बेटा वो Cr3+ के करते हैं, ठीक है। क्रोमियम आयन के इम्प्योर जो क्रोमियम आयन है उसको हम इम्प्योरिटी, जो क्रोमियम आयन है आपके ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं उसको इम्प्योरिटी आयन की तरह यूज करते हैं, और मेन जो लेजिंग पर्पस रहेगा वो वही रहेगा। अब जो रूबी सिलेंडर है उसमें वही चीज होगी हमारी, है ना। हम क्या करते हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं, ये फ्लैश लैंप जो है आपका वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब फ्लैश लैंप ऑन भी तो होना चाहिए ताकि ये इसके आयंस को क्या कर सके, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा सके। तो मैंने क्या किया, इस फ्लैश लैंप को पावर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही इसको पावर मिलेगी ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में इसके आयंस जो है वो क्रोमियम जो है आपके, क्योंकि मेन लेजिंग एक्शन इंप्योरिटी आयंस रहेंगे यानी कि इसमें Cr3+ रहेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर वो रहता है तो ये हमारे पास मेन उसमें रह जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेगा, इसके एक्साइटेड स्टेट के उसमें पहुंचा देंगे। अब यानी कि हमारा पंपिंग वाला भी हो गया और एक्टिव मीडियम का काम भी हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एम्पलीफाई वाली चीज भी करनी और फिर ट्रांसमिट भी करना था। तो हमने क्या किया, इसके दो एंड्स ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने क्या किया, दोनों एंड्स को सिल्वर पॉलिश कर दिया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना छोड़ा, ये तो फुल्ली कंप्लीटली सिल्वर मिरर आपका है, और यहाँ पे हमने क्या किया आपका पार्शली सिल्वर पॉलिश किया है। अगर ये कंप्लीटली है तो यहाँ तो जो भी जाएगा सारे के सारे रिफ्लेक्ट मारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आएगा बेटा अपने पास उसके अंदर पार्शली हमारे पास यानी कि 10% आपका ट्रांसमिट होगा, 90% हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर से, ठीक है।
तो जो आपका रहेगा 10% उसमें से, तो वो जो निकलेंगे वो आपके लेजर बीम की तरह निकलते रहेंगे, और बाकी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बार बार इस कैविटी के अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा और एम्पलीफाई होता रहेगा। तो हमें बाद में जो मिलेगा वो एम्पलीफाई होके फिर बाद में लेजर बीम निकल जाएगी। अब क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका ये वार्म अप हो रहा है, ठीक है, हीटन अप हो रहा है, तो अगर हीट अगर उसके अंदर जाएगी तो कितनी गलत बात है ना कि वो बहुत गर्म हो जाएगा, ब्लास्ट भी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल कूलिंग फॉर्म में देना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरे चैम्बर को एक उसमें कम मतलब कर लेती हूँ, और उसको क्या करती हूँ मैं कूलिंग के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, ताकि ये क्या रहे आपका पूरा प्रोसेस कूलिंग के उसमें रहे। और फिर बाद में क्या कर दूँ, उसके अंदर से इसका अपर्चर, एक साइड आपका ओपन है, यहाँ से आपको क्या मिलता जाएगा, लेजिंग बीम, लेजर बीम जो है वो वहां से ऑप्टेन होती जाएगी। ठीक है, ये तो क्या हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो, आपको वर्किंग देखनी है इसके अंदर। वर्किंग क्या रहेगी आपकी, आपको सबको पता है कि अगर आपको कोई भी लेजर लाइट ऑप्टेन करनी है, ठीक है, रूबी लेजर क्या होता है बेटा, 3 लेवल लेजर होता है। रूबी लेजर क्या होता है, 3 लेवल लेजर होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा हमें एक ऐसा लेवल लेके चलना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एटम था आपका, वो क्या करे वहां पे आपके आ जाए आयंस आपके एक स्टेट पे, और फिर वहां से स्टिमुलेटेड एमिशन करवा के मैं नीचे ले जाऊं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, सारे के सारे जो आपके क्रोमियम आयंस थे, ठीक है, यहाँ से आपके ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब करवा के, ब्लू लाइट अब्सॉर्ब करवा के हमने क्या किए, इनके ऊपर पहुंचा दिया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचा दिया। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे, उसके बाद मैंने इनको क्या किया, एक मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर ले गई। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस फॉर्म से हमारे स्टेट के ऊपर आ गए। अब जो यहाँ की अपनी थी वो 10^-8 की उसमें थी, जैसे ये आपके ट्रांजिस्टर होके यहाँ आ गए, और यहाँ मेरा मेटास्टेबल स्टेट जो होता है थोड़ा सा आपका लॉन्ग लाइफ टाइम का होता है, जो कि 10^-3 ऑर्डर का होता है। आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये जो आप मेटास्टेबल स्टेट लेके चल रहे हो वो कितने लाइफ टाइम का, 0.003 यानी 10^-3 आपका उसके लाइफ टाइम के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लाइफ टाइम इतना हो जाएगा, ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट का। तो ये कहता है यहाँ से फिर उसके बाद क्या होता जाएगा, आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता जाएगा, और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहां से बाहर आपके जैसे ही निकलेंगे तो फोटोन जो है वो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ जो है वो रिलीज होती जाएंगी, और हमें एक पर्टिकुलर उसकी क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ की उसमें एक लाइट आउटपुट की उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो मिलती है वो क्या मिलती है, रेड लाइट मिलती है 9694.3 नैनोमीटर की आपको एक्सट्रीम रेड लाइट आउटपुट के फॉर्म में मिलती है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पर्टिकुलर सारे के सारे जो निकलेंगे वो उस फोटॉन्स जो है वो जिनकी एनर्जी एचनी है वो सारे के सारे कोहरेंसी उसमें सेम फ्रिक्वेंसी होंगी सबकी। ठीक है, तो इस वजह उस पर क्या होती जाएंगी, सारी एमिट होती जाएंगी। तो हमें एक पर्टिकुलर हाईली कोहरेंट मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली डायरेक्शनलिटी एंड हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम आउटपुट की उसमें आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि आपकी कितनी होगी, रेड कलर की होगी, ऑफ द आपकी वेवलेंथ 694.3 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, रूबी लेजर का ये मैंने जैसे आपको बताया है, आप इस तरीके से जो जो मैंने बताया है उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही आपके जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो मैंने बताया है, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा रूबी लेजर का। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसको नोटबुक में आप अपना लिख लीजिएगा, और निधि अटेंडेंस ले लेना बेटा। ठीक है, और अपनी जो साइट है उसके ऊपर, जो अपनी ईमेल आईडी है उसके ऊपर सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, आप ले लेना अटेंडेंस।